तो दोस्तों अब तो भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज दैट मींस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अब मात्र 1 साल के भीतर तैयार हो जाएगा और फिर पूरे भारत की ये एक शान बन जाएगी। तो आज हम जानेंगे इस ब्रिज के बारे में, इसके क्या कुल फीचर्स है और किस तरह से पेट्रोल के बिल्स को ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकता है, इसमें दुनिया की कौन कौन सी एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और क्या रहेगी इसकी स्पीड, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हाल ही में यहाँ पर जानकारी निकल कर आई कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम अब भी 84% कम्प्लीट हो चुका है। 1 साल के भीतर अभी से ठीक दैट मीन्स सितंबर 2023 तक ये पूरा कम्प्लीट भी हो जाएगा। और वही कॉस्ट सुनकर काफी लोग हैरान रह जाएंगे। 2005 में सबसे पहले इसे प्रोजेक्ट को लाया गया था, 4500 करोड़ रुपीस उस समय कॉस्ट थी। फिर 2013 में बढ़ते बढ़ते ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, 9360 करोड़। 2014 में तो ये सीधा 11000 करोड़ पहुंच गया और अब करेंटली इसकी कॉस्ट लगभग 18000 करोड़ रुपीस के आसपास। और इसका जो फंडिंग है 85% पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट जापानीज एजेंसी जाइका फंड कर रही है। इसी रीजन के चलते फाइनेंसिंग की यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें तो मुंबई टू नवी मुंबई ये सीधा ट्रैवल टाइम को 2 घंटे से जो करेंटली लगता है सीधा 20 मिनट्स में ले आएगा। तो आप सोच सकते हो लाखों की संख्या में यहाँ पर डेली ट्रैफिक रहता है, सो इससे पेट्रोल के बिल्स हमारे कितने रिड्यूस हो जाएंगे और साथ में पॉल्यूशन भी ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। ये पूरा 6 लेन का एक्सप्रेस वे, इसकी कुल लंबाई है 22 किलोमीटर लंबी। इसमें दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डाला गया है, जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अदर सारी एमिनिटीज जो एक मरीन ब्रिज के लिए लगती है, उन सबको इसमें इंकल्केट किया गया है। फिर सीसीटीवी, अगर फ्यूचर में यहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसकी पूरी ट्रैफिक कंडीशन यहाँ पूरे स्ट्रेच में मॉनिटर किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा बाय ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। साथ ही में वेरिएबल मैसेज साइंस भी यहाँ पर डाले जाएंगे ताकि पैसेंजर्स को सुविधा पहुंचाई जा सके। फाइनली स्पीड की बात करें, यहाँ पर गाड़ियाँ आराम से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो ट्रैवल टाइम को हमारा काफी रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 घंटे से सीधा 20 मिनट, ये तो एक वरदान होगा मुंबई करों के लिए। वैसे भारत के इस सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज के बारे में आपकी क्या राय है, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा।